के इस तरीके से जो है शाहनवाज हुसैन को कहीं ना कहीं जो है उनके राजनीतिक करियर को ख़त्म किया जा रहा है और ख़ुद इस मामले को शाहनवाज हुसैन की पत्नी को आगे जो है करेगी, क्योंकि उनके वजह से भी कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी मजबूती पेश करती हुई नजर आ रही है। जहां महागठबंधन में खलबली मची हुई है तो वहां NDA एकदम खुश नजर आ रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, कई बार बिहार का दौरा करते हुए दिखाई दिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान ऐलान करते हुए नजर आए थे कि कोई भी हम चेहरे के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे, यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा सामने नहीं आएगा, ना ही कोई स्पेशल चेहरे को लेकर हम यहाँ पर उनको आगे लेकर आएंगे, बल्कि कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और ऐसा हुआ भी, चुनाव जीते भी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई ऐसे सांसदों के टिकट भी काटे जा रहे हैं जिस बात की उम्मीद विपक्षी पार्टियां भी नहीं लगा रही होंगी। उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई और राज्य, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई सांसदों के टिकट काटे हैं जो कहीं ना कहीं विरोध जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे बिहार की बात करें तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा बड़ा चेहरा है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बिहार में उन ऊंचाइयों पर पहुंचा चुका है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उन्हें दरकिनार करती हुई नजर आ रही है और वो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का। सैयद शाहनवाज हुसैन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ऐसे में शाहनवाज हुसैन को भागलपुर से टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खाते में भागलपुर सीट आती ही नहीं है। लेकिन भागलपुर से दो बार का चुनाव शाहनवाज हुसैन जीत चुके हैं। इस बार उम्मीद थी कि ये टिकट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई कि क्या शाहनवाज हुसैन को किशनगंज से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन वहां से भी टिकट शाहनवाज हुसैन को नहीं दिया जाता है। तो अब शाहनवाज हुसैन क्या कदम उठाते हुए नजर आएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना रुख करते हुए देखे जा सकते हैं, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे सहयोगी अबरार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार, क्या लगता है, शाहनवाज हुसैन की बात करें, एक दिग्गज चेहरे हैं और बिहार में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट शाहनवाज हुसैन को नहीं दिया है तो बड़ी गलती कर दी है? क्योंकि आपको ये बता दें कि MLC का चुनाव हुआ था, उस दौरान ये कहा गया था कि हम शाहनवाज हुसैन का नाम आगे नहीं करेंगे क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी उन्हें आगे नहीं किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर अपने ही सांसदों को नाराज कर रही है? देखिए, शाहनवाज हुसैन को कोई आज भारतीय जनता पार्टी जो पीछे नहीं धकेल रही है, बल्कि 2014 के बाद से लगातार अब देख रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन का राजनीतिक कद जो है वो जानबूझ करके घटाया गया है। जब इससे पहले चुनाव हुए उस चुनाव में भी ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि उन्हें आगे कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है उनको बिहार की तरफ भेज दिया गया। बिहार में भी जो मंत्रालय उनको सौंपा गया था जब भाजपा उस सरकार का हिस्सा थी पहले, उस समय भी उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय नहीं सौंपा गया था, और फिर अब अगर देखा जाए तो जानबूझकर के इस तरीके से जो है शाहनवाज हुसैन को कहीं ना कहीं जो है उनके राजनीतिक करियर को खत्म किया जा रहा है और खुद इस मामले को शाहनवाज हुसैन भी समझते हैं। सवाल ये है कि आखिरकार बिहार की राजनीति में क्या अब भारतीय जनता पार्टी या फिर देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को किसी मुस्लिम चेहरे की जरूरत नहीं है? चूंकि इस बात को लेकर के कई बार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने ये बात कही है कि उन्हें वोट नहीं चाहिए और तरह तरह के जो बयान हमने सुने, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर जो हो सकता है। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी बड़े ऑफर शाहनवाज हुसैन को दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आई है, लेकिन अजीत शर्मा को टिकट दे दिया गया है, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं कि उनका टिकट यहाँ से कट सकता है, यानी कि उनका नाम वापस लिया जा सकता है। तो क्या ऐसे में शाहनवाज हुसैन को जो ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफर क्या स्वीकार करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जो है कई बार राजनीतिक हलचल जो है वो देखने को मिलती है, इस तरीके की चर्चाएं भी सुनने को मिलती है, लेकिन शाहनवाज हुसैन उन पुराने नेताओं में हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के खिलाफ शायद ही जाए, चूंकि अभी भी ये माना जा रहा है कि
भले ही अब देखिए कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जब प्रोजेक्ट किया गया 2019 में तो उस समय ये चर्चा चल रही थी कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो आगे होंगे प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन उनको नहीं किया गया। उसके बावजूद भी वो पार्टी में बने रहे, अब तक बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी में ये एक बड़ी खूबी है कि पार्टी के नेता, चाहे वो पुराने नेताओं के खास तौर से अगर बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी से अपना नाता नहीं तोड़ते हैं। और इस कड़ी में शाहनवाज हुसैन का भी नाम शामिल हो सकता है, भले ही उन्होंने कई बार चुनाव लड़े हैं और जीत भी हासिल की है भागलपुर और किशनगंज सीट से, लेकिन इस बार किशनगंज की सीट का पूरा राजनीतिक समीकरण जो है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार MIM की दावेदारी वहां से भारी लग रही है, मजबूत लग रही है। चूंकि अख्तरुल ईमान पिछली बार जब वो चुनाव में उतरे थे तो जो है वो तीसरे नंबर पर रहे थे, हालांकि उस बार उन्होंने उतनी बेहतर तैयारी भी नहीं की थी। और इस वक्त अगर देखा जाए तो किशनगंज की सीट पर या सीमांचल के उन तमाम सीटों पर कहीं ना कहीं MIM का दबदबा जो है वो देखने को मिलता है। तो इस नजरिए से भी देखा जाए भारतीय जनता पार्टी ने इस वजह से भी उस सीट पर जो है शाहनवाज हुसैन को आगे नहीं किया है, चूंकि वहां पर MIM की दावेदारी मजबूत लग रही है। तो ऐसे में ये बात तो बिल्कुल तय है कि शाहनवाज हुसैन का राजनीतिक करियर अब अपनी समाप्ति की ओर है, और अब हो सकता है या तो भाजपा उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है किसी राज्य का गवर्नर बना देगी, या जो है और कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में अब उनका राजनीति ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से समाप्ति की ओर चला गया है। यहाँ पर एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि शाहनवाज हुसैन की बात करें, उनकी पत्नी की बात करें, एक लव मैरिज होती हुई नजर आई थी, लेकिन जो रेणु है वो कभी भी राजनीति में उतरती हुई नहीं देखी गई है। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करती हुई देखी जा सकती हैं, या फिर उनका रुख कांग्रेस की तरफ हो सकता है? क्योंकि परिवार वालों की बात करें तो जो यहाँ पर शाहनवाज हुसैन है वो भारतीय जनता पार्टी से मान लीजिए कि अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन परिवार में से कोई ना कोई तो जरूर जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए बिल्कुल हो सकता है, और कई बार इस बार भी अगर देखा जाए तो जो है कई ऐसे चेहरों को टिकट दिया गया लोकसभा चुनाव में जो पुराने दिग्गज नेताओं के बेटे हैं बेटियां हैं। तो ऐसे में बिल्कुल ये उम्मीद जताई जा सकती है, या फिर इस तरीके के कयास लगाए जा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या जो है शाहनवाज हुसैन की पत्नी को आगे जो है करेगी, क्योंकि उनके वजह से भी कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल ये सच नजर आता है, और इस पूरे मामले को लेकर के अब भी कहीं ना कहीं इंतजार ही करना होगा, क्योंकि अब जो है विधानसभा चुनाव में ही कुछ हो सकता है। विधानसभा चुनाव जब बिहार के होंगे तो उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में भाजपा के पास कोई स्थानीय चेहरा जो है वो इस वक्त तक मौजूद नहीं है जिन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर उस मजबूत तरीके से आगे जो है पेश किया जाए। देखिए बिल्कुल यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कुछ भी किया गया है उसका विरोध तो अब साफ तौर पर करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका असर जरूर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो लोकसभा चुनाव में नहीं होगा वो विधानसभा चुनाव में हो सकता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार की कुर्सी, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो कुर्सी उनके हाथों से चली जाए। भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीद के साथ JDU के साथ जुड़ी हुई थी वो विधानसभा चुनाव में ना जुड़ पाए, RJD यहाँ पर जीतती हुई नजर आ जाए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज चेहरे बगावत करते हुए नजर आ जाएं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है बिहार में क्या कुछ देखा जाएगा? क्या NDA की जीत होती हुई नजर आएगी, या फिर महागठबंधन यहाँ पर जीतने की कगार पर पहुंचेगा? क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।